हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंबे किचन। आज मैं लेके आई हूँ तीन तरह की ऐसी बर्फी जिसे आप घर पे बहुत ही ज़्यादा आसानी से बना सकते हैं, वो भी घर पे पड़ी हुई कुछ चीज़ों से, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा बाजार से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी बिल्कुल हलवाई जैसे। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बना रही हूँ बेसन का दानेदार बर्फी। तो जिसके लिए हमने ले लिया है 1 कप चीनी, उसमें डाल दिया 1/2 कप पानी, उसमें से थोड़ा सा केसर और फूड कलर ऑरेंज वाला डाल दिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। उसे अच्छे से बॉईल कर ले, जब वो चिपचिपी हो जाए उसके बाद उसे हम साइड कर लेंगे। फिर हम ले लेंगे बेसन। बेसन हम एक बोल ले लिए हैं, ये कप दिखा रही हूँ मैं, इससे 1 कप ली हूँ। अगर कप ना हो तो किसी भी एक बोल से मेजर करके ले ले। फिर हमने 3 बड़े चम्मच डाल दिया है घी का, और उसे डाल करके हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे मिक्स करने से आपका बेसन की जो बर्फी होती है बहुत ज़्यादा रिच फ्लेवर अच्छी आती है। तो चलिए इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे बेसन पूरी तरह मिक्स कर लेते हैं, घी और बेसन एक साथ हो जाएगी। देखिए पूरी तरह मिक्स हो गई है, इसमें थोड़ा सा आगे आपकी गुठलियाँ जैसे दिख रही है। तो इसे हम क्या करेंगे, या तो आप इसे छान ले, नहीं तो मिक्सी में डाल करके थोड़ा सा इसे चला ले, बस 1-2 सेकंड के लिए चलाना है, जिससे पूरी ना एक सार हो जाए। फिर हम डाल देंगे घी, और घी डाल दिया हमने 4 बड़े चम्मच, और घी डाल करके उसमें डाल देंगे बेसन, और बेसन को डाल करके लो फ्लेम पर, हमने दिखा दिया है जितना लो फ्लेम है उस पर डाल करके हम भूनेंगे अच्छे से, पूरे पैसेंस के साथ बिल्कुल भूनते है। घी आप एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। फिर हम उसे भूनते, देखिए हमारा कलर इसमें चेंज, पहले लाइट होता है, उसके बाद जब थोड़ा और कलर इसका डार्क होने लगेगा, घी बिल्कुल पूरी तरह छोड़ देगा। देखिए बेसन जो भी है ना, थोड़ी लूज होने लगी है, पूरी तरह से बेसन ने घी को छोड़ दिया है जितना छोड़ना था। अब इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच दूध। दूध को डाल करके इसे हम चलाएंगे, इससे ना बेसन की जो बर्फी होती है बहुत दानेदार, बहुत अच्छी बनती है। देखिए और कैसे हमारा एकदम बेसन लगेगा, फटने जैसा लगेगा। थोड़ा सा इसे हम और चला लेंगे, जब तक ये दूध पूरी तरह सोख ना ले। तो देखिए हमने इसे अच्छे से भून लिया है, दूध भी हमारा अच्छे से सोख लिया है, ये देखिए। और इसमें डाल देंगे अब हम चाशनी। चाशनी डाल करके इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, हाई फ्लेम पे ना पकाएं, नहीं तो आपकी जो चाशनी या बेसन जो भी है लग जाएगी या जल जाएगी। इसे पूरे पैसेंस के साथ लो फ्लेम पे ही पकाएं। अब इसे डाल करके हम अच्छे से मिक्स करेंगे, जब तक ये पूरी थोड़ी ड्राई ना हो जाए, चाशनी बिल्कुल बेसन में मिक्स हो जाएगी अच्छे से और ड्राई होने लगेगी। बिल्कुल चलाते हुए इसे मिक्स करें, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा वॉच करें, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ 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 कर दें। देखिए हमारा बेसन भूनते हुए ये जो चाशनी पूरी तरह मिक्स हो गई है, ये ड्राई हो गया है, और पैन भी वो छोड़ने लगी है। तो अब इस टाइम में क्या करेंगे, हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, और किसी भी एक केक टिन हो या मिठाई का ही जो डब्बा होता है ना वो ले लीजिए, जो भी ट्रे हो कुछ भी हो, आप उसमें एक बटर लगा के, बटर वाला जो पेपर होता है वो, या किसी भी वाइट पेपर में थोड़ा सा आप ऑयल या घी ग्रीस करके आप रख सकते हैं, जिसमें निकालने में आसानी होगा। उसमें हमने बेसन को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसे थोड़ा हम किसी भी स्पून की सहायता से इसे थोड़ा सेट कर लेंगे, जिसे बिल्कुल ये एक सार हो जाए, फ्लैट हो जाए अच्छे से, कहीं भी खुरदरदरा ना रहे। तो देखिए अब इसे अच्छे से देखिए फैला दिया है, सेट कर दिया है। अब इसे ठंडा होने दे बिल्कुल 1 घंटे के लिए, 2 घंटे, 1 घंटे में ही सेट हो जाता है ये। देखिए बिल्कुल ये ठंडा हो गया है, मैंने इसे जल्दी के लिए फ्रीज में रख दी हूँ। आप इसे बाहर ही रखें, कुछ ज़्यादा ही मेरा हार्ड हो गया था तो सॉफ्ट रहेगा, बाहर ही रहेगा। तो अब इसे हम कट कर लेंगे, और कट करने के बाद इसे सर्व करें, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितना ज़्यादा यम्मी और डिलीशियस बना है। इसे देख के मुंह में पानी आ रहा होगा बिल्कुल ही। तो मेरा बेसन का बर्फी आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड बर्फी की तरफ, और ये है हमने फटे हुए दूध से बनाया। कभी आपकी गलती से दूध फट जाए तो ये टेस्टी सी मिठाई ज़रूर अपने घर में बनाए, जिसे बाजार में कलाकंद भी कहते हैं, और ये सबको घर में सच में बहुत पसंद आया था। बिल्कुल मार्केट से बोले थे, फेल हो गया ये, बिल्कुल मार्केट की मिठाई फेल हो गई है इसके आगे। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। वह यूँ था कि मैं रात में जो दूध रखी थी ना उसे भूल गई थी, सुबह तक बिल्कुल ही वो जम गया था।
तो उसका मैंने ही बनाई थी। तो मैंने क्या करी हूँ, इसमें पहले एक और हाफ कप मैंने मिल्क ले लिया है और घर की जो फ्रेश मलाई होती है वो मैंने हाफ कर डाल दी है और उसे एक तरफ रख दिया है थोड़ा सा वो जलने के लिए। ये देखिए हमारा दूध कैसे जमा हुआ है, तो इसे थोड़ा सा मैं बॉयल कर लेती हूँ जिससे पूरी तरह ये फट जाए दूध पानी, और दूध पानी जो भी है अलग हो जाए, छेने बिल्कुल हमारी सेपरेट हो जाए। तो चलिए देखिए हमारा जो दूध है वो गाढ़ी हो गई है। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा चीनी डालती जाऊंगी और इसे मिक्स करती जाऊंगी। एक बार ही पूरा चीनी ना डाले नहीं तो बहुत ज़्यादा चिपचिपी सी हो जाएगी और बहुत देर आपको चलाना पड़ेगा क्योंकि चीनी पूरी मेल्ट हो जाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हमने चीनी दो तीन बार डाल दिया है और लास्ट में मैंने थोड़ा सा चीनी को छोड़ दिया है क्योंकि ये ज़्यादा मिठाई ना मीठी नहीं होनी चाहिए, हल्की मीठी ही अच्छी लगती है। मैंने हाफ कप में थोड़ा सा उसे बचा लिया था और वो पूरी तरह जला करके फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इस टाइम क्या करेंगे, हम छेने जो हमारी थी ना थोड़ी सी ठंडी हो गई, अब इसे हम आसानी से छान लेंगे और छानने के बाद उस छेने को ना अच्छे से वॉश कर लीजिए जिसमें कोई भी स्मेल हो, खट्टापन हो, कुछ भी हो, अच्छे से साफ़ हो जाएगा और छेनी भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। किसी भी छन्नी पर एक आपने कोई भी प्लेन कपड़ा डाल दीजिए कॉटन का, उसके ऊपर छेने को डाल करके उसे अच्छे से छान लीजिए। हल्के हल्के हाथों से उसे दबाइए, ज़्यादा नहीं दबाइए नीचे जिससे उसका मॉइस्चर पूरा निकल जाएगा। उसे दबाते हुए हमने उसे अच्छे से छान लिया है। अब देखिए और उसके क्या किया, हमने थोड़ी मिक्सी में उसे चला लिया, थोड़ा रुक रुक के इसे ना दो तीन बार ऐसे चला लें जिससे क्या होगा आपको हाथ से मसलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल जैसे रसगुल्ले के लिए छेने तैयार करते हैं ना बिल्कुल ऐसे ही। हमने फ्लेम ऑफ़ कर दिया था, अभी हम फ्लेम को फिर से ऑन कर दिए हैं, उसमें डाल दिए हैं हमने छेने, जो हमने छेने को मिक्सी में चलाई थी उसी को डाल करके इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा गीला होगा लेकिन बहुत जल्दी ये पूरे एकदम बैटर रेडी हो जाता है, इसलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लें। फ्लेम को एकदम लो रखी हूँ मैं। देखिए हमारा बिल्कुल मिक्स हो गया है ये, थोड़ा सा और मिक्स करेंगे हम इसे। अब इसमें डाल देती हूँ मैं इलायची पाउडर, मैंने दो तीन इलायची को कूट के ना ऐसे डाल दी हूँ, और डालने के बाद देखिए उसको अच्छे से मिक्स कर दिया था, अब बराबर बिल्कुल मिक्स हो गया है, अब हमारा ये सेट होने लायक हो गया है। तो चलिए इसे हमने एक केक टिन ले लिया है, उसे बटर पेपर लगा दिया है और उसमें डाल दिया है हमने वो जो छेने के बना रखी थी ना वो डाल दी हूँ। डालने के बाद उसे अच्छे से सेट कर दूँगी और सेट करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स जो भी हो, पिस्ता डालें, जो भी हो, काजू डालें, जो भी है आपके घर में वो डाल दीजिए, और डालने के बाद थोड़ा सा उसे हल्का सा प्रेस कर दीजिए जिससे वो अंदर सेट हो जाए। अच्छे से सेट होने के बाद उसे रख दीजिए ठंडा होने के लिए। आप इसे फ्रीज में रखें ठंडा होने के लिए तो बेटर है क्योंकि ये फ्रीज में बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, बहुत जल्दी भी हो जाएगा। तो चलिए इसे हम अब सेट कर लेते हैं। देखिए हमने सेट करके इसे फ्रीज में निकाल दी हूँ। अब इसे मैं कट करके बताती हूँ। पहले चाकू की सहायता से थोड़ी सी इसके साइड से अलग कर दें और उसके बाद इसे कट कर लें। आप जो भी चाहे, जितने भी चाहे, जिस हिसाब से चाहे इसे कट कर लें। मैं बिल्कुल जो कलाकंद का शेप होता है मैंने बिल्कुल उस हिसाब से कट कर ली हूँ। और ये देखिए बिल्कुल दानेदार इतना टेस्टी मिठाई बना है जो जब भी आपके घर में दूध फटता है तो आप पनीर बनाना छोड़िए और आप इसकी मिठाई बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो कैसा लगा हमारा फटे हुए दूध का ये बर्फी, इसे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए हम चलते हैं बर्फी नंबर 3 पे। इस बर्फी तो मैं जब पहली बार बनाई थी ना सबको इतना पसंद आया था ना जिसे मैं सोची भी नहीं थी। और इसमें ना मावा है, ना ही मिल्क मेड है, ना ही चाशनी बनाने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आप अब मैं तो हमेशा ही ये बनाती हूँ अपने घर में, ये बर्फी सबको बहुत पसंद है तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमने कुछ चीज़ें ले लिया है। जैसे हमने एक कप ले लिया है सूजी और एक कप ले लिया है शुगर पाउडर, एक कप ले लिया है मिल्क और एक कप आधा कप ले लिया है मतलब 1/4 कप मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है, उसमें इलायची डाल दी हूँ, थोड़ा सा घी और ड्राई फ्रूट्स ले ली हूँ और थोड़ा सा मैंने ले लिया है कोकोनट पाउडर, वो ले लिया 1/4 कप। जिस कप से ले उसी हिसाब से सारा चीज़ ले ले तो बहुत अच्छा है, किसी भी बोल से ही ले ले आप, एक या दो बोल लेते हैं उसी हिसाब से उसका पाउडर शुगर घी सब कुछ ले लीजिए। उसमें घी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, बिल्कुल हलवा जैसा नहीं चाहिए, बस हाँ घी की टेस्ट होनी चाहिए, उसमें घी भुनने चाहिए जितना सूजी में चाहिए बस।
आपने देखा है मैंने उसमें कितना घी ली थी, उससे भी मैं बचा ही लूँगी उसमें। तो मैंने घी को गरम कर दिया है पैन में, 4-5 चम्मच दे दी थी। उसके बाद सूजी डाल दी, सूजी को मिक्स करके फिर मैंने 1/4 कप बेसन डाल दी जो मैंने आपको पहले नहीं बताई, और उसे डाल करके उसे लो फ्लेम पर हम 10 मिनट तक बिल्कुल भूनेंगे, जिससे क्या होगा उसका कलर चेंज नहीं होनी चाहिए, बस हल्की सी होनी चाहिए और खुशबू बहुत अच्छी आने लगेगी, पूरी तरह ये भुन जाएगा। तो देखिए अब ये बिल्कुल थोड़ा सा कलर चेंज होने लगा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है घर में। तो देखिए इस टाइम में क्या करेंगे, इसके हम आगे का प्रोसेस करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा बस सूजी और बेसन का चेंज होगा। इसमें डाल दिया है हमने कोकोनट पाउडर, उसे डाल करके थोड़ा सा मिक्स करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखे इस टाइम में। इसमें मिल्क पाउडर और इलायची पाउडर डाल दिया, उसे मिक्स कर दिया है, बस जस्ट ही करें ये सब चीज़ें। उसके बाद मैंने शुगर पाउडर डाल दी हूँ, उसे भी मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद इसमें डाल दूँगी मैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स मैं थोड़ा सा बचा लूँगी डेकोरेट करने के लिए, गार्निश करने के लिए। उसके बाद मैं डाल दूँगी उसमें 1 कप मिल्क पाउडर। इस सारी चीज़ों को मैं अब मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें ले लूँगी 1/2 कप मिल्क और ले लूँगी, पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इसमें डाल दूँगी 1/2 कप मिल्क, ये देखिए 1/2 कप मिल्क डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, दूध हमारा पूरी सूजी ने पी लिया है अच्छे से। अब जब इस स्टेप में आ जाए तो इस स्टेप में डाल देंगे हमसे 2 बड़े चम्मच घी के, और घी डालने के बाद अब इसे हम अच्छे से थोड़ा सा चला लेंगे। जब ये पूरी तरह पैन छोड़ने लगे, पूरे साफ़ हो जाए, बस इसे बस कुछ देर ही करना है। ये देखिए पूरी तरह ये पैन छोड़ने लगा है, घी भी हमारे अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है, हमारी जो डो बिल्कुल होनी चाहिए ना बिल्कुल उस तरह से तैयार है। और देखिए हाथ से चेक कर लीजिए लड्डू जैसा बन रहा है या नहीं भी बनेगा, आपको इस सेट हो जाएगा बिल्कुल इस तरह आप बनाएंगे तो। तो चलिए एक हमने ट्रे ले लिया, मिठाई की जो ट्रे होती है वो ले लिया। आप कोई भी मिठाई के डब्बे कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी बोल प्लेट जो भी है आप ले सकते हैं। और तो मैंने थोड़ा सा घी लगा करके उसे पेपर को डाल दी हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने नारियल का पाउडर और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स जो हमने बचा रखी थी वो मैंने डाल दी, उसके ऊपर से हम डाल देंगे वो डो जो हमने रेडी कर दी थी सूजी का, और डालने के बाद उसे हम अच्छे से सेट करेंगे। इसे अच्छे से सेट कर लें, सेट करने के बाद ना इसे कट करने में बहुत आसानी होती है और बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है दिखने में, बिल्कुल बाजार जैसी। तो अब इसे हम ठंडा कर लेते हैं, ठंडा हो गया है बिल्कुल ये। अब ठंडा होने के बाद अब इसे ठंडा बिल्कुल अच्छे से कर लें, जिससे कट होना बहुत आसानी से कट हो जाएगा ये, और स्मूथ सा निकलेगा बर्फी आपका बिल्कुल। तो हम पहले 2 कान्हा जी के लिए साइड कर लेती हूँ और फिर बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा टेक्सचर हुआ है इसका, बिल्कुल बाजार जैसी बर्फी लग रही है ना, और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, एकदम मुंह में घुल जाएगी ये सूजी की बर्फी। तो ज़रूर आप भी ट्राई कीजिए, और मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करके जाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।